नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सर्वेश रावत और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इंस्टाग्राम से तो दोस्तों यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कोई भी फिजिकल बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम। तो बने रहिएगा एंड तक, और हाँ, आखिरी बोनस टिप भी मैं आपको एंड में ही दूंगा। देखिए दोस्तों, इंस्टाग्राम से बहुत लोगों ने कमाई की है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हों या फिर मॉडल्स हों या फिर कोई भी हो, अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, अपने ब्रांड प्रमोशन के थ्रू, स्पॉन्सरशिप के थ्रू कईयों ने कमाई करी है। सो आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो आपके आगे भी काम आएगा। जैसे कि अगर आपको अपनी रीच बनानी है इंस्टाग्राम फीड की, जो आप पोस्ट डालते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कई लोग बोलते हैं लाइक्स, कमेंट या शेयर करके होगा, मगर दोस्तों जो एज पर न्यू एल्गोरिथम है उसके हिसाब से आपकी पोस्ट को जितने लोग सेव करेंगे, जितनी बार सेव करेंगे, जितने ज़्यादा बार सेव होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके आगे बढ़ने के। आई थिंक ये चीज़ ऐसा ही आपको क्लियर नहीं होगी, आइए मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं मेरे इस प्रोफाइल में, यहाँ पे अगर हम सेव इनसाइट्स पे भी जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे पोस्ट है। पोस्ट में अगर हम जाते हैं तो आपको पूरा दिख जाएगा, जैसे लास्ट ईयर का दिखा रहा है, इतना लास्ट ईयर का देखेंगे तो ये सब है, 13,000, 4,700, 3,624। सपोज अगर इसका हम इनसाइड भी चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए 164 टाइम्स लोगों ने सेव किया, यानी कि इस हिसाब से इसको ज़्यादा रीच मिली, 23 बार प्रोफाइल विजिट हुआ। तो दोस्तों ये कहना मैं चाहूँगा कि सेव हम जो है परचेज नहीं कर सकते, लाइक्स हम परचेज कर सकते हैं, कमेंट्स परचेज कर सकते हैं, शेयर पे था, अब शेयर किसे भी अब चेंज हो गया एल्गोरिथम। तो जितने लोगों को कंटेंट पसंद आएगा, जितने लोगों को सेव करेंगे उतना आपके पोस्ट को ज़्यादा रीच मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब है ऐसा कंटेंट बनाइए कि लोग सब सेव करने के लिए मजबूर हो जाए। सो करंट एल्गोरिथम ये चल रहा है, इसको जितना हो सके आप ऐसे कंटेंट बनाइए, क्लियर कंटेंट बनाइए जो लोग आपके पोस्ट को सेव कर सकें, सेव करने में मजबूर हो जाए, क्योंकि ये चीज़ खरीदी नहीं जा सकती। अब यहाँ तक आप आए हैं तो मेरे प्रोफाइल को भी आप मेरे से DM करके पूछ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस में आगे बढ़ना हो तो मुझे भी बता सकते हैं, DM कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, अगर आपके कंटेंट में दम होगा तो उतने उसके चांसेस होंगे आगे बढ़ने के, यानी कि उसे और विजिबिलिटी मिलेगी। इसलिए कहते हैं जितना बढ़िया आपका सॉलिड कंटेंट होगा, चाहे आप वो पैसे दे के कराएं थर्ड पार्टी से या फिर जैसे fiverr.com, upwork.com से, तो आपकी ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी पोस्ट को ज़्यादा रीच मिलेगी। तो ऐसा कंटेंट बनाएं जो लोग सेव करें और आगे विजिबिलिटी उसे मिले, यानी कि ऐसा कंटेंट डालें कि लोग उसे सेव करने में मजबूर हो जाएं, और इस तरह से आप ऑर्गेनिक रीच से आगे बढ़ सकते हो। शॉर्ट आउट्स में क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट आउट से भी आप आगे पहुंच सकते हो, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर आपका कंटेंट सॉलिड नहीं रहा तो लोग इसे ये बेकार जाएगा आपका शॉर्ट आउट। तो शॉर्ट आउट लेने से अच्छा है आप अपने कंटेंट पर ध्यान दें, जितना हो सके उस पर अपनी मनी एनर्जी लगाएं, जितना आप उसमें टाइम देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, डेफिनेटली आपका पोस्ट और आगे तक जाएगा और विजिबिलिटी मिलेगी आपके पोस्ट को। शॉर्ट आउट्स में क्या होता है कि आपके जितना बड़ा पेज होगा आपके सेम निश का, उतना आपको पैसा पे करना पड़ेगा। और मैंने कई बार देखा है दोस्तों, कई लोगों के जो है शॉर्ट आउट्स जो परचेज करते हैं बड़े निश से, उनके वेस्ट चले जाते हैं, उनको लीड्स नहीं मिल पाती उस हिसाब से जिस हिसाब से उन्होंने सोचा होता है, और फिर उन्हें निराशा हाथ लगती है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो, अपनी कंटेंट पे ध्यान दें, ऐसा कंटेंट बनाएं कि लोग सेव करने के लिए मजबूर हो जाएं, जैसे आप सेव द पोस्ट भी लिख सकते हैं, राइट। तो इससे आपके पोस्ट आगे तक बढ़ेगी और आपको ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे। तो दोस्तों जो मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगा वो फ्री होगी और आगे भी काम आएगी। सो इसके लिए मैंने जो है जूम मीटिंग में ट्रेनिंग की है, जूम मीटिंग में आपको ट्रेनिंग देता हूँ, वहाँ पे ट्रेन करता हूँ लोगों को, कोच करता हूँ। सो आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं,
तो मेरे जूम मीटिंग को अटेंड कीजिएगा, मुझे जस्ट डीएम करिएगा मेंटोर, ताकि मैं आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड कर सकूँ उससे रिलेटेड। और पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे GVR फॉर्मूला के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं, ये आपके आगे काम आएगा ही आएगा, फिर चाहे आप कोई सी भी कंपनी के साथ अफिलिएट मार्केटिंग करें या नेटवर्क मार्केटिंग करें। सेल्फ ब्रांडिंग में तो मैं आपको ट्रेनिंग देता रहूँगा दोस्तों, लेकिन GVR फॉर्मूले के बारे में मैं आज आपको बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसे आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा जो भी आपके डाउट हो उससे रिलेटेड। ग्रैब द अटेंशन, जी स्टैंड फॉर ग्रैब द अटेंशन, यानी कि यू आर शोइंग योर लाइफ स्टाइल, यू आर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, सो यू विल डेफिनेटली गेट द आई मीन यू विल डेफिनेटली ग्रैब द पीपल अटेंशन। वी फॉर वैल्यू, वैल्यू प्रोवाइड करना लोगों की लाइफ में, ऐड करना वैल्यूज को, जैसे कि आप लोगों को रिजॉल्व कर रहे हो उनकी प्रॉब्लम्स को। सो अगर आप वाकई में सॉल्व कर पाए दूसरों की प्रॉब्लम को, देन लोग आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, उस अपॉर्चुनिटी को लेना पसंद करेंगे। आर रिलेटेबल, टेल स्टोरीज टू पीपल, ऐसी स्टोरी सुनाए सो दैट पीपल उसे कोरिलेट कर पाए। ओके, टेलिंग स्टोरीज, जो आप स्टोरी सुना रहे हैं उस स्टोरी में आप रिजल्ट भी शो करें कि कैसे आपने वहां तक पहुंचे, डॉक्यूमेंट योर जर्नी, उस रिजल्ट तक लाने के लिए आपने क्या क्या किया। सो GVR फॉर्मूला ही आपको आगे एक विनर बनाएगा, एक विनिंग टीम का लीडर बनाएगा। आई होप ये आपको पसंद आया होगा GVR फॉर्मूला, और पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू मैं आपको ट्रेनिंग भी दूंगा, कोचिंग भी दूंगा जूम मीटिंग के थ्रू, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट जरूर करिएगा और इस बिज़नेस को ज्वाइन करो जरूर करिएगा। इस बिज़नेस में वो पोटेंशियल है जो आप ग्लोबली उस बिज़नेस को रन कर सकते हो, उस बिज़नेस को आप कई देशों में फैला सकते हो, एंड मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा उसमें। थैंक यू।